लेकिन आज मैं अपनी वजह बताना चाहूँगा कि मैं क्यों जो है वो थकता नहीं हूँ और क्यों मुझे स्ट्रेस नहीं होता, या मैं मेरी रूटीन इतनी बिजी होने के बावजूद भी मैं फ्रेश फील करता हूँ। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को मैं आज इस राज से भी मैं पर्दा उठाऊँ। देखिए, मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं किसी पार्क में, किसी लॉन में, किसी ग्रीन प्लेस पे मैं चला जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर के, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कभी फैमिली के साथ, कभी अकेले, और मैं जाकर वहाँ पे कुछ देर बैठता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं दो चीज़ों पे से कनेक्ट हो जाऊँ, जब मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ या जब नहीं भी जाता तब भी मैं, मेरी कोशिश होती है मैं दो चीज़ों से कनेक्ट रहूँ, एक अल्लाह और दूसरी चीज़ है कुदरत, नेचर जिसे कहते हैं। जब आप इस किस्म की किसी ग्रीन या लॉन या गार्डन या किसी पहाड़ी मुकाम पे जाते हैं और वहाँ पे जब आप खामोशी में या तन्हाई में या अलग थलग होकर जब बैठते हैं और अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, नेचर को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, तो आप उससे कुदरत से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बड़ा फ्रेश फील करता हूँ जब मैं इस तरह का काम करता हूँ और मुझे एक नई एनर्जी महसूस होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो है एक स्पेशल को टाइम निकालें हफ्ते में या दो हफ्ते बाद कि जी आप जाकर जो है वो लॉन में किसी पहाड़ी मुकाम पे चले जाएँ, दूर चले जाएँ। आप अपने इर्द गिर्द की जगह देखें, जो कई आपको अपने घर के करीब भी जगह मिल जाएंगी, थोड़ी सी दूर भी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ऐसी ग्रीन प्लेसेस, लॉन, गार्डन और एक नेचर से करीब जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाकर थोड़ा सा टाइम ज़रूर वहाँ पे गुजारें और अपने आप को दो चीज़ों से कनेक्ट करें।